के आने से हवा बदलेगी? बदल चुकी, बदलेगी क्या, बदल चुकी, आप खुद देख रहे हो हवा कैसी बन रही है अभी। मतलब आशु सिंह जी का नाम खत्म मान लो, टक्कर में आएगा तो थोड़ा कांग्रेस वाला आएगा, बाकी कोई नहीं आएगा। हिंदू तो कोई आप सपोर्ट देना चाह रहे हैं अगला विकास होगा उसके लिए? हमारे अगले विकास की जरूरत है, 5 साल जो अपनी बीती है उनके अंदर बच्चे हैं जो भी है सब परेशान थे, उस बीमारियों को मेटना है, पेपर लीक होना, बलात्कार होना, ये जो हो रहे हैं ये बीमारी खत्म करनी है, इसके लिए इतना जोर लगा रहे हैं। कि हिंदुत्व तो आएगा जब आएगा, लेकिन कम से कम ये राजस्थान की बीमारियां तो खत्म हो। जो भी एक ही नारा था, जय श्री राम, जय श्री राम, क्या कहते हैं इसके बारे में? नहीं तो सब जय श्री राम वगैरह, हिंदू है जय श्री राम, नहीं तो क्या बोल रहे हैं? हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदू है, और हिंदू तो वादी नहीं होगी तो हमें क्या फायदा होगा हिंदुस्तान में रहने का? आप देखते हो कि कहीं ना कहीं सारा मोटरसाइकिल चला के एक्सीडेंट कर देते हैं, दो गुटों का बना देते होता है, मामला है दो गुटों का बना देते हैं और 25 लाख 50 लाख दे देते हैं, और आप उनको क्या होते तो उन्हें कन्हैया लाल का आवाज क्या दिया? 5 लाख रुपये क्या फायदा इसी सरकार से, ये बताओ आप मेरे को। क्या लगता है कितनी सीट आएंगे इस बार? अपनी 165 सीट आ रही है, 165 सीट आ रही है अपनी बीजेपी की, और बहुत अच्छी तरह से अपनी सरकार बन रही है। इस बार देख रहे हैं आप लोगों से बात भी लगा है, और कहना है कि बीजेपी सरकार ही आने वाली है, 160 सीट आने वाली है, हर किसी का एक ही कहना है। क्या लगता है योगी जी को आने से हवा बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी, 101% बदलेगी। क्या कहना चाह रहे बताएं इसके? योगी जी एक बालाजी महाराज का अवतार है, ये हर तरफ नारे लग रहे थे जय श्री राम योगी जी आए हुए थे, क्या रीजन? ये योगी हिंदुत्व का प्रचार, जैसे बीजेपी की रैली थी उसमें बीजेपी के नारे कम थे, जय श्री राम के ज्यादा थे। जय श्री राम बीजेपी पार्टी के ही नारे हैं, ये जय श्री राम हिंदुत्व के नारे हैं। क्या आगे विकास चाहते हैं या हिंदुत्व चाहते हैं? दोनों चाहते हैं, विकास भी चाहिए हिंदुत्व भी चाहिए, विकास ही अकेला का क्या करेंगे, हिंदुत्व नहीं होगा तो बचेगा नहीं, तो विकास का ही क्या करेंगे?